शमितो और देवोलीना की कल घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। हालांकि इस लड़ाई के बाद भी देवोलीना जो है वो शमिता को लेकर जो बातें कर रही हैं राखी और उनके पति के साथ, उससे ये लगता है कि उन्हें शमिता का ना गेम पसंद है और ना शमिता शेट्टी। वो ये बोलती हुई नजर आई कि मुझे सच में समझ में नहीं आता कि वीकेंड का वार से पहले ये जो है ऐसे मुद्दे बनाती है जिसका मुद्दा वीकेंड का वार में बने, उससे पहले इसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन तब जानबूझकर ये मुद्दे बनाती हुई नजर आती है। राखी सावंत कहती है कि ना ये टास्क करती है, ना कुछ करती है, ना घर का काम करती है। फिर उन्होंने कुछ मिमिक्री की शमिता के ऐसे ऐसे करके, जो कि म्यूट कर दिया गया। और राखी कहती है कि ये बस वीकेंड का वार में आने से पहले मैडम जी जो है मुद्दे बनाने के लिए शुरुआत कर देती हैं। तो देवो और राखी जो है वो ये मानते हैं कि शमिता का कोई गेम नहीं है, बस वो जो है वीकेंड का वार का इंतजार करती है और उससे पहले जानबूझकर वो कुछ ऐसे मुद्दे बनाती है जिसका जिक्र वीकेंड का वार में हो और उसको फुटेज मिले, लाइमलाइट मिले। हम आपको बता दें कि कल रात को तेजस्वी करण भी इस बारे में बात कर रहे थे, जब तेजस्वी कह रही थी करण से कि वो जानबूझकर वीकेंड का वार आने से पहले उमर रियाज को लेकर मुद्दे बनाती रहती है ताकि उसको थोड़ा फुटेज मिले। और यही बात अब देवोलीना और राखी भी करते हुए नजर आए। तो डेवो कहती है कि कुछ भी फालतू चीज़ों को लेकर वो बात करती रहती है, उसको कुछ नहीं कहो तो भी। राखी कहती है कल मैं कुछ बात कर रही थी तो कहती है कि हमें पता है कि आप लोग हमारे बारे में बात कर रहे हो। तो राखी ने बोला मैंने उसके मुंह पे ही बोल दिया, हाँ तेरी तुम्हारे बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो राखी और देवोलीना जो है शमिता का ना गेम पसंद करते हैं और उनको ये लगता है कि उसका काम सिर्फ वीकेंड का वार से पहले मुद्दों को बनाना है।